मतलब उन्होंने मुझे डायरेक्ट स्वेयर बैंक के आके पास में छोड़ा, पीछे मेरे स्वेयर बैंक है, मैं उस आपको यहाँ पे चीप में बहुत कुछ मिल जाएगा। बहुत सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी मैं हूँ इरकुट्स्क में एक्चुअली, और मुझे कल निकलना है, मेरी कल की ट्रेन है। मैं एक मार्केट में आया हूँ कुछ ख़रीदने, क्योंकि ट्रेन का सफ़र जो है अराउंड 4 डेज़ का होगा। मतलब यहाँ से मतलब 4 डेज़ मुझे लगेगा मॉस्को पहुँचने के लिए, वहाँ से फिर मुझे मॉस्को से वापस ट्रेन लेना पड़ेगा, जहाँ मुझे पहुँचना है स्मॉलेंग सिटी। और यहाँ पे देखता हूँ मतलब बहुत सारे फ्रूट्स बेच रहे लोग, फ्रूट्स वेजीज बेच रहे, देखते हैं कुछ मतलब ट्रेन में काम आएगा। अगर फ्रूट्स चीप, बहुत ही चीप लग रहे हैं मुझे यहाँ पे, मतलब चीप भी है और क्वालिटी भी अच्छा है, सोच रहा हूँ कि कुछ ख़रीद लूँ। थोड़ा मेरे को आगे जाना है, अभी मैं वापस सोच रहा हूँ कि बाद में आके कुछ यहाँ से ख़रीद लूँ। आप यहाँ पे मतलब देख सकते हो कि प्राइसेस है, ये फ्रूट्स है सारे, और ये 130 रूबल्स में शायद 130 पर केजी होगा, पर रशिया के हिसाब से ये मतलब ठीक ही है प्राइस। एप्पल्स है कुछ 200 पर केजी है, मुझे आइडिया नहीं है कुछ, तो ये थोड़ा चीप है नॉर्मल प्राइस है, और इसका क्वालिटी भी अच्छा है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे ख़रीद रहे कुछ ना कुछ। सो भी मैं आया हुआ कैफ़े में, कैफ़े नहीं बोल सकते आप इसको, स्टोर बोल सकते हो, मतलब कैंटीन बोल सकते हो, मतलब इधर सब बहुत ही चीप मिलता है आपको फूड, मतलब आपका ब्रेकफास्ट और लंच डिनर हो जाएगा यहाँ पे। मतलब यहाँ पे है कुछ लिया, मैंने चाय लिया हूँ और चिकन सूप लिया हूँ एक, और ब्रेड है कुछ, और मुझे बस इसका पे करना पड़ा ऑलमोस्ट 70 रूबल्स में, मतलब आपको पेट भर रहा है और क्या चाहिए। और वो मार्केट में था, मतलब वहाँ से आया, थोड़ा प्राइस चेक किया, प्राइस मतलब ऑलमोस्ट सेम था दूसरे मतलब शॉप्स में, फ्रूट्स का थोड़ा बहुत डिफरेंस था ऊपर नीचे, और ऑलमोस्ट सेम था। हाँ मतलब आपको सस्ते में अगर ये करना है चीज, मैं ब्रेकफास्ट करना है वो सब, मतलब आप कोई भी सिटी में जाओ बस तो लोग आए सर्च करो कहाँ है, आपको मतलब मिल जाएगा, और फिर आप मतलब आसानी से 150 रुपीज़ में आपका पूरा पेट भर जाएगा। किधर भी जाओ कोई भी सिटी में, ये चाय बहुत टेस्टी है, मुझे बहुत पसंद है। और अभी मैं आया हूँ ये एक शॉप में जिसको बोलते हैं फिक्स प्राइस, मतलब आपको यहाँ पे चीप में बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत सारे थिंग्स मिल जाएंगे, बिस्किट्स हो गए मतलब, और मेरे को कल ट्रेन से ट्रैवल करना है, तो फिर मैं सोचा कि यहाँ से कुछ बिस्किट्स ले लूँ, जो मतलब बहुत ही चीप है, 20 रुपीज़ में आपको एक पैक मिल जाएगा, और मतलब और क्या चाहिए आपको, और शॉप से ख़रीदने से अच्छा फिक्स प्राइस आओ। जिनको बजट है इशू है, सबके लिए नहीं, जिनको है आना है तो आ सकते हो, मतलब बहुत ही अच्छा मिलता है यहाँ पे, क्वालिटी भी होता है अच्छा। और क्या बताओ, और पता नहीं मैं ट्रेन में खाना है कि नहीं, शायद मेरे हिसाब से पेड खाना है एक्चुअली, और खाने में मैं सोच रहा हूँ कि पैसे ज़्यादा वेस्ट ना करूँ, इसलिए यहाँ से कुछ अपना कुछ ये नाश्ता ले लूँ, कुछ खाना वाना, और फिर एक्चुअली 4 डेज़ का ट्रैवल है ये ट्रेन का, 28 को ट्रेन है कल दोपहर को, और 31 को मॉस्को पहुँचेगी दोपहर में। सो फिर 4 डेज़ का ट्रैवल है, मुझे भी पता नहीं था 4 डेज़ लगेगा, ये लगा कि 2-3 में पहुँच जाएगा, फिर ट्रांस साइबेरियन ट्रेन है ये एक्चुअली, और इसलिए मुझे पता नहीं था, देखते हैं अभी कैसा एक्सपीरियंस अच्छा होगा ट्रांस साइबेरियन ट्रेन का। अभी थोड़ा सामान वामान खरीदता हूँ, फ्रूट्स में सोच रहा हूँ ना लूँ, क्योंकि फ्रूट्स ट्रेन में ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि 4 दिन ट्रैवल करना है, और सो थोड़े फ्रूट्स ले लूँ, मतलब देखते हैं थोड़े फ्रूट्स, मतलब 2-4 कुछ एप्पल ले लूँगा बस, ये तो ख़राब हो जाएंगे, वो खाऊँगा भी नहीं मैं। बहुत कुछ है यहाँ पे, कुछ मोबाइल का सामान वामान है, पीछे कैप्स है, बहुत कुछ, सब कुछ मिल जाएगा आपको सस्ते में एकदम। और मैं अभी आया हूँ प्रिंट कराने टिकट अपनी, और मतलब गूगल मैप से देखा, मैं कोई कंपनी में के अंदर घुस गया मैं शायद से, इनके मतलब ये कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पे, और मतलब गूगल मैप्स की गलती से मैं कंपनी में घुस गया, मुझे जाना था अगले इसमें, पर इन्होंने बोला कि हेल्प कर देंगे, प्रिंट निकाल देंगे वो, पॉसिबल शो। और पता नहीं मुझे, मैं कोई ऑफिस में घुस गया था, ये कोई कंपनी था, और मैं उनको बोला कि मेरे को प्रिंट निकालना है, तो फिर बोले कि ये कंपनी हम प्रिंट नहीं निकालते, पर हेल्प कर देंगे मेरी, और उन्हें मतलब प्रिंट निकाल दी मेरी, और वो भी फ्री में, पैसे भी खर्च नहीं हुए। वो बोले कि यहाँ गलती से आया, मतलब मुझे जाना था थोड़ा आगे, पर मैं इस यहाँ पर घुस गया। कि खाना ले लिया हूँ मैंने, प्रिंट ले लिया हूँ, अभी क्या बाकी है, बैग पैक करना है रात को। बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं जर्नी को, ये ट्रेन के ट्रांस साइबेरियन, बहुत यूट्यूब पे वीडियोस देखा था मैंने, और देखते हैं व्हीकल। और मतलब मेरे पास कैश खत्म हो गया था, कैश तो है, पैसे तो है, पर वो कार्ड में है, और
अभी मैं कोई स्वेयर बैंक ढूंढा हुआ आसपास और उधर से कैश विदड्रॉ करता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे मतलब मोस्टली कैश यूज़ हो रहा है मतलब बसेस में वो सब, इसलिए मतलब कार्ड चलते नहीं वहाँ पे। तो अब कैश इमरजेंसी में आपको रखना चाहिए कभी भी, कहीं भी ट्रैवल करते समय। देखता हूँ कोई बैंक ढूंढा अभी साइड में, मतलब मुझे स्वेयर बैंक नहीं मिल रहा था, तो फिर ये भाई साहब ने मुझे एक राइड दिया है स्वेयर बैंक तक। मैं यही चेक ही नहीं किया, ये मुझे बस स्वेयर बैंक तक उन्होंने मतलब नहीं मिल रहा था, कब से घूम रहा था इधर उधर, बीटी बैंक मिला स्वेयर बैंक नहीं मिला इसलिए। और मतलब उन्होंने मुझे डायरेक्ट स्वेयर बैंक के आके पास में छोड़ा, पीछे मेरे स्वेयर बैंक है, मेरे को स्वेयर बैंक ही चाहिए था, बहुत टाइम से मिल नहीं रहा था। और मतलब वो बात सच निकली कि एज यू गो ईस्ट एंड ईस्ट टूवर्ड्स रशिया पीपल बिकम मोर काइंड, वो मतलब आप एक्सपीरियंस तो हो गया आज उस बात का, लोग सामने से मतलब हेल्प कर रहे थे। और लास्ट दिन है और स्पेशल हो रहा है मेरा, और कैसे मैं कंपनी में घुस गया गलती से, उन्होंने मुझे हेल्प किया और फिर इन्होंने अभी मेरे को राइड दिया, सब कुछ फ्री में हो गया मेरा। थोड़ा मैं अभी पार्क में बैठा हूँ, बहुत टाइम है अभी, मैं बस दो तीन घंटे बाद जाऊँगा अभी घर पे, मतलब होश के पास, होश घर पे नहीं है, थोड़ा कबूतर लोग को खाना खिलाता है। बहुत सारे आ गए आप, ये देख सकते हो आप बहुत सारे आ गए, ये डाला ब्रेड झपटे सब, एक और डाला ये झपटे, मैं कबूतर को खिला रहा हूँ, हाथ से ले नहीं था ये, अभी झट से डालूंगा, फटाक से उठा लेगा ये देखो बहन, उठा लिया किसी चिड़िया ने उठा लिया। और मैंने अभी सब सामान ले लिया है, पूरा बैग भर के सामान ले लिया है, इसमें लिया है थोड़ा ब्रेड्स लिया है, थोड़ा अभी राइस लिया है जर्नी के लिए, राइस बनाऊंगा और मतलब थोड़ा एक फसोल बोलते हैं मतलब राजमा कैरी किया है, एक यहाँ पे कैन डब्बा होता है उसमें वो कैरी किया है। मतलब दो तीन दिन तो चल जाएगा आराम से वो। अभी जा रहा हूँ मैं अपने अपार्टमेंट में होश के घर पर, अभी तक वो आए नहीं शायद से, बजरे शाम के साथ एक घंटा शायद से वेट करना पड़ेगा मुझे बाहर, और फिर रात को सब खाना वाना बनाना पड़ेगा फटाफट, और फिर कल के लिए रेडी फिर। सो अभी अपार्टमेंट में आ गया हूँ मैं, और मतलब मैं बनाया कुछ पॉरिज, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट से भरपूर है और मतलब आपको फुल ज़्यादा टाइम तक रखता है, और कुछ एग और ब्रेड बनाया कल के लिए, और ये भी कल के लिए बनाया, और अभी के लिए भी मतलब थोड़ा यही खाएंगे। और कल सुबह निकलना है। तो गाइस मैं अभी उठ गया हूँ, कल मेरा लास्ट डे था इरकुट्स में एक्चुअली, और आज मेरा ट्रेन है। और मतलब ये ट्रिप में वीडियो ख़त्म होने से पहले बोलना चाहूँगा कि ये ट्रिप में मुझे बहुत ही मज़ा आया, मतलब सोलो ट्रैवल करने को, और मतलब बहुत कुछ सीखा, मतलब बहुत लोगों से मिला, मतलब क्या कैसे क्या करना है बहुत कुछ मतलब, और क्या बताऊँ मैं, और मतलब इरकुट सिटी में हूँ मैं, ये थोड़ा मंगोलिया के ऊपर है, फिर यहाँ पर मैंने देखा कि पॉपुलेशन जो है मतलब मंगोलियन थोड़ा टाइप, मतलब पीपल जो है यहाँ पर वो थोड़े मंगोलियन टाइप दिखते हैं, ये मंगोलिया के जस्ट ऊपर है, और मंगोलियंस नहीं एक्चुअली वो रशियंस ही है पर मंगोलियंस दिखते हैं। अगर आप इरकुट से थोड़ा और आगे जाओगे व्लादिवोस्तोक तक, वो 4000 किलोमीटर दूर है, मेरे को वहाँ जाना था एक्चुअली और टाइम नहीं है अभी, और मतलब व्लादिवोस्तोक तक जाओगे आप तो फिर आपको वो कोरियन दिखने लगेंगे, वो कोरिया के पास में अपने यहाँ पे ऐसे मतलब साउथ के यहाँ पे जाओगे तो फिर थोड़े मतलब डार्क कॉम्प्लेक्शन दिखते हैं आपको, क्योंकि वो श्रीलंकन जैसे दिखते थोड़े। और क्या बताओ, मैं ज़्यादा इमोशनल होना नहीं चाहूँगा ये ट्रिप के बारे में, अभी ट्रेन है मेरी अभी 3 बजे, और अभी मेरे को 8:30 बजे निकलना पड़ेगा, क्योंकि जो होस्ट है उनको भी निकलना है 8:30 बजे, तो फिर उनके घर से निकलना ही पड़ेगा, और 5-6 घंटे वेट करेंगे रेलवे स्टेशन पे, और हॉस्टल बुक नहीं करना था, 5-6 घंटे के लिए क्यों करूँ, बस इसलिए रेलवे स्टेशन में जाएंगे और फिर वहाँ पे कुछ करूँगा। ठीक है, थैंक यू, अभी ट्रांस साइबेरियन का वीडियोज़ आएगा अभी, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रांस साइबेरियन में।